इट्स बट डिफिकल्ट फॉर मी एंड बहुत मिस करूंगी मैं। सो टुडे इज डे 5 और मैं वहाँ जा रही हूँ एम्प्टी हाउस टूर शूट करने, और काफ़ी सारे सामान हमने दादा की गाड़ी में रख लिया है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि गाड़ी है, इसमें हमने भर लिया है अच्छे जितना भर सकते हैं हम, एंड वहाँ पर धीरे धीरे रख देंगे। अभी डीप क्लीनिंग होनी बाकी है, बहुत सारे चीज़ें बाकी हैं, तो धीरे धीरे होती रहेंगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करेंगे। मेकअप कैसे कैसी हो जाएगी। गाइस इतना अनसेटेड, इतना गंदा लग रहा है, हमारी कबर्ड भी यहाँ से हट गई है, पूरा घर ऐसा फैला हुआ है, और कल हम फाइनली शिफ्टिंग कर रहे हैं। सो यहाँ बदतमीजी मत करो प्लीज। मम्मी कैसा लग रहा है तुमको ऐसे देख के, तुम्हारा घर फैला पड़ा है? बढ़िया हो जाएगा बहुत जल्दी। बड़ी बहन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इतना काम कर कर के सब हार गए हैं। आपको कैसा लग रहा है एंजल, बताइए? अब हम लोग चले जाएंगे, आप बताइए अब क्या होगा। उसको भी पता नहीं क्या होगा, क्या मैं यहाँ रहूंगी? नहीं कुछ नहीं पता, हमारे घर आओगी ना तुम? हाँ। मिलना आना, ठीक है? बच गई अन्नू दीदी, कैसा लग रहा है तुम्हें घर चेंज करके? पता अनसेटल्ड, बहुत अनसेटल्ड सा लग रहा है। अभी हमने खाया है मस्त मैंगो शेक पिया है और नमकीन खाई है। इस घर का लास्ट हमारा इवनिंग स्नैक था वो, एंड हमने इंजॉय भी किया। मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत इमोशनली अटैच भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ की, और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने स्टूडियो को मिस करने वाली हूँ गाइज, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि उसको अभी मैंने रिसेंटली बहुत अपडेटेड करवाया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें करवाई थी, तो मैं बहुत मिस करूँगी। कुछ बहुत ही ओजी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे ये है शिरडी जब हम गए थे फर्स्ट टाइम, सबकी फ़ोटो है, तब मैं 10th क्लास में थी और सब लोग इतने जवान लग रहे हैं। मैं बड़ी अजीब सी लग रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। पापा मम्मी काफ़ी जवान हैं, मस्त। और भी फोटोज मिल रही है ऑफ दिस हाउस, नान पनीर एंड फ्राइड राइस। Hi guys, good morning. Today is 19th of July and अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अनपैकर्स एंड मूवर्स वालों को आना था। मिक्स फीलिंग आ रही है, अभी मम्मा खाना बना रही हैं, आज हमारे घर का स्पेशल मेन्यू बन रहा है, तो रात में हम सो गए थे सब बहुत ज़्यादा थके थे। दीदी अभी पैकिंग वगैरह में लगी हुई है और पूजा कर रहे हैं, अनु अभी सो के नहीं उठी है। तो मैंने कभी आप लोग को ये बताया नहीं कि इस घर में दो पोर्शन है एंड ये काफ़ी बड़ा घर है, तो पीछे भाभी लोग रहती हैं, तो उनसे हमारा फैमिली जैसा है बिल्कुल, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम लोग चले जाएंगे तो शाम से उनका घर, इवन दोपहर से उनका घर बिल्कुल, मतलब कह रही थी बहुत ख़राब लगेगा मुझे दीदी आप लोग चले जाओगे, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी ना पैकेज एंड मूवर्स आएंगे, वो लोग 9-10 बजे के बीच में उनका टाइमिंग है, तो लोग आएंगे, पैकिंग वगैरह होती रहेगी, सामान जाता रहेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी इन बिटवीन चीज़ें। तो अभी की ये अपडेट चल रही है। ऑल्सो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, अभी मैं पानी पी के उसके बाद मैं लासन करूँगी, उसके बाद मैं शार वगैरह ले लूँगी, तभी सारा पैकिंग का स्टार्ट करेंगे हम, सो दैट बीच में कोई वो ना हो। एंड क्या हमारे घर में बन रही है पूड़ी और साथ में छोले एंड पुलाव, तो ये है पुलाव, सब कुछ बन रहा है। ये है हमारा आज का लास्ट ब्रेकफास्ट ऑफ दिस हाउस, पूड़ी एंड छोला, हमें ये इन्जॉय करने वाले हैं। पैकर्स एंड मूवर्स वाले आ गए हैं और हमारा आगे का सामान ऑलमोस्ट जा चुका है, बहुत सारा सामान है और अभी भी ये सारा सामान बचा हुआ है जाने के लिए। गाइस अभी आप लोग को टेप की बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने सार लेके पूजा करके और मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ अपना, और अब मैं लगूँगी सामने क्योंकि इन लोगों को गाइड करना पड़ता है कि सामान कहाँ रखना है, पीछे पैकिंग वगैरह हो रही है,
तो हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है एंड इस घर में 2020 में आए थे लाइक कोविड टाइम पे, ऑलमोस्ट 4 साल हो जाएगा अगस्त में, तो उससे पहले ही हम खाली कर रहे हैं ये घर। तो अब मैं जा रही हूँ उस वाले घर पे और मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो दिस इज़ माई OOTD, मैंने टी शर्ट पहनी है, नीचे ये वाले पैंट्स पहने और बैग लिया है, इसमें मेरे सारे फोन्स वगैरह हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत सारे यहाँ पे डब्बे पड़े हुए हैं और बाहर भी इन लोगों ने बहुत सारा खाली कर दिया है और जा चुका है ऐसे यहाँ से सामान जा रहा है सारा और डाला जा चुका है गाइस। सो आई एम हियर एंड दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माय हाउस। यहाँ पर सारा सामान किचन का आ रहा है, अनलोड हो रहा है यहाँ पर, और सारा सामान सोफा हमारा ये वाला आ चुका है। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि यहाँ से तो नहीं आ रहा है सामान क्योंकि तार है, बट नीचे से सारा सामान आ रहा है। बाहर से भी अंदर से भी और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। हर जगह सामान भरा पड़ा है, सब कुछ खा लिया चुका है। बस मैं अब आई थी लंच ब्रेक के लिए, तो मैं खाऊंगी पूड़ी पुलाव, ये है कुंदरू की सब्जी, घुइया की सब्जी और ये है साथ में छोला। आई एम वेरी हंग्री और ये काम कर रहे, बहुत सामान है इधर भी बचा हुआ है। अभी स्टूडियो रूम आ गई हूँ अपने ऊपर, लास्ट टाइम मिल लेती हूँ, पूरा खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ मेरा ये बचा हुआ है, बाकी सब खाली हो गया। एंड सो आई एम फीलिंग बिट इमोशनल बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम बिताया है कंटेंट के लिए, ऑलमोस्ट एवरी डे आती थी मैं, तो इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर मी एंड बहुत मिस करूँगी मैं। इस घर में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्रैच से स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे दिन गए यहाँ पर। तो मैं अपने स्टूडियो में, क्योंकि उस घर में स्टूडियो नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। अब मैं जा रही हूँ उस वाले घर पे और वहाँ पे सेटिंग वगैरह दीदी के साथ कराऊँगी एंड आप लोग को दिखाती रहूँगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय स्टूडियो एंड आई एम गोना मिस यू। बहुत सारी मेमोरीज देने के लिए थैंक यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल। हम लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पीछे दो डॉग्स हैं जो कि दोपहर में वैसे यूजुअली कार के नीचे रहते हैं, बट अभी वो उठ गए हैं और बहुत ही डेंजरस हैं, काटने के लिए भागते हैं। दो बार मैं दीदी के साथ गई हूँ, दोनों बार दौड़ा है। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा, हमने तुरंत गाड़ी रोक के और मोड़ लिए भैया, और हम रास्ते में खड़े लिटरली क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस तुम्हारे बाल तो घुंघराले हो गए। सारे आदमी से कंटिन्यूअसली जुटे हुए हैं, बिल्कुल बैठे नहीं है फेस, और तुम काली हो गई, ऐसी की तैसी हो रखी है, इतनी स्वेटिंग, इतना डिहाइड्रेशन, पानी पी रहे हैं बट भी बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारा कम सामान हमने रख लिया है, अराउंड 40 कार्टन बॉक्स हो गए, उसमें चीज़ें थी, हम तब से अनबॉक्सिंग करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, अभी भी सामान रख रहे हैं ऊपर कबर्ड में। एक लैंप निकाल लो, यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, बहुत सामान है गाइस, मतलब एक दिन बैठे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने बीच में एक थोड़ा सा खाने के लिए टी ब्रेक लिया था, 10-15
बैठे हैं, ऊपर नीचे इतना सामान है। You're looking very cute. So I'm ending this video here. धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, ब्लॉग्स आएंगे उसके बाद, तो अब मुझे एक दो दिन तीन चार दिन और टाइम लगेगा। तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।